अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियां और मैं हूं ए आर गुल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल के थ्रू आपको शोबिज़ से जुड़ी शख्सियात और अदब से वाबस्ता जो लीजेंड लोग हैं उनके हवाले से तफसीली मालूमात फराहम की जाती है। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की मुबारकबाद। ये हमारा नए साल का पहला प्रोग्राम है। इस हवाले से मुझे बड़ी खुशी होगी जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो लोग इस चैनल को देखते हैं, उनके लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हैं, नेक तमन्नाएं, अल्लाह पाक उनको सेहत सलामती और खुशियाँ दे। अब आते हैं अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको पाकिस्तान के हवाले से एक दो नगमात सुनाऊँगा। नाज़रीन, ये जो मिली नगमात हैं इनके शायर नगमा निगार मसरूर अनवर थे। मसरूर अनवर के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं, जिनकी 77वीं योम पैदाइश, जिनका 77वां योम पैदाइश यानी सालगिरह आज 5 जनवरी को मनाई जा रही है। अनवर अली अल मारूफ मसरूर अनवर 5 जनवरी 1944 को भारत के इलाका शिमला में पैदा हुए थे। क्या मैं पाकिस्तान के बाद उनका घराना इंडिया से कराची शिफ्ट हो गया। कराची आकर उन्होंने तालीमी मराहिल तय किए। एक और वजाहत भी कर दूं कि मसरूर अनवर के वालिद साहब का नाम अमीर अली था। मसरूर अनवर ने कराची में तालीमी मराहिल तय करने के दौरान रेडियो पाकिस्तान कराची के चक्कर लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि उनको कहानियाँ लिखने का शौक था। इसी दौरान उनकी मुलाकात सीनियर अदाकार सदाकार काजी वाजिद और महमूद अली से हो गई। रफ्ता रफ्ता ये मुलाकात दोस्ती में बदल गई और उनकी वजह से रेडियो पाकिस्तान में मसरूर अनवर का आना जाना शुरू हो गया। मसरूर अनवर उन दिनों PIA में मुलाजिम थे। जी नाज़रीन, तो बात हम कर रहे थे लीजेंड नगमा निगार मसरूर अनवर। वो रेडियो पाकिस्तान में बतौर स्क्रिप्ट राइटर आ गए और मसरूर अनवर का लिखा हुआ रेडियो पाकिस्तान कराची के लिए ड्रामा संडरीला बेहद मकबूल हुआ, जिससे उनकी मजीद हौसला अफजाई हुई और रेडियो के साथ साथ वो स्टेज की तरफ भी चले गए। उन्होंने बेशुमार स्टेज ड्रामे भी लिखे, मुकालमे और फिल्मी कहानियाँ भी आगे चल कर लिखी। मसरूर अनवर ने पहला फिल्मी नगमा फिल्म बंजारन के लिए लिखा था, जिसके बोल थे मास्टर जी मुझे सबक सिखा दो। लेकिन उन्हें असल शोहरत शहजाद इकबाल की फिल्म बदनाम से मिली, जिसके कहानी नवीस और मुकालमा निगार रियाज शाहिद थे। फिल्म बदनाम जिसका सुपरहिट नगमा ये नगमा इस कदर मकबूल हुआ, इस फिल्म की शोहरत को रातों रात पर लग गए और फिल्म बदनाम में जो कास्ट थी नीलो नबीला एजाज और अलाउद्दीन, उन्हें भी बेहद शोहरत मिली। उसके बाद मसरूर अनवर ने जितने भी नगमात लिखे वो एक से बढ़कर एक सुपरहिट हुआ। मिसाल के तौर पर परवेज मलिक की
जिसे पाकिस्तान की पहली प्लैटिनम रुपनी फिल्म होने का इकरार हासिल है, अरमान, उसका गाना। अकेले न जाना हमें छोड़ के, ये नगमा जीबा और वही मुराद पर फिल्माया गया और फिल्म की हाईलाइट बन गया। इसी तरह अगर हम आगे चले फिल्म दोराहा की बात करें तो उसके दो मकबूल नगमा जिनमें एक मुझे तुम नजर से गिरा दो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, और इसी फिल्म का दूसरा नगमा, हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था, ये मशहूर अनवर के सुपरहिट नगमा है। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात हो रही है लीजेंड नगमा निगार शायर मशहूर अनवर की, जिनके क्रेडिट पर 200 से ज़ाहिर मिली नगमात है और उनको इन्हीं नगमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया गया था। मिली नगमात में उनका जुग जुग जीवे मेरा प्यारा वतन, ये नगमा, इसकी खास बात यह है कि ये सबिया खानम ने भी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करवाया था। इसी तरह वतन की मिट्टी गवाह रहना, ये नैयरा नूर गुलकारा जो है उनकी आवाज़ में सुपर हिट है। अगर हम फिल्मी नगमात का मजीद जिक्र करें तो हसन तारी की फिल्म अंजुमन, उसका सुपर हिट गाना आप दिल की अंजुमन में हुस्न बनकर आ गए। इसी तरह अदाकारा शमी मारा की बतौर फिल्म साज फिल्म साइका, उसका सुपर हिट नगमा ऐ बहारो गवा रहना, दो दिलों ने जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई, ये नगमा भी सुपर हिट है। और उससे अगर हम मजीद आगे चले परवेज मलिक की फिल्म पहचान, जिसमें नाहिद अख्तर की आवाज में दुआया नगमा, ये नगमा भी मसरूर अनवर का लिखा हुआ है, जिसके मौसीकार निसार बजमी थे और ये फिल्म की हाईलाइट बन गया। इसी तरह मसरूर अनवर ने बेशुमार फिल्मों में सदाबहार गीत लिखे, जिनमें तलाश, सौगात, कुर्बानी, बुलंदी, हम दोनों, लखों में एक, एहसान, हीरा और पत्थर, जब से देखा है तुम्हें, और इस तरह के मसरूर अनवर के गीतों का जिक्र करें तो ये प्रोग्राम के लिए शायद ये वक्त ना काफ़ी हो, हमारे पास महदूद वक्त है जिसमें हमें उनको खराज अकीदत पेश करना है। मसरूर अनवर 1 अप्रैल 1996 को इंतकाल कर गए, और नाज़रीन मुझे उनका एक और सुपर हिट भी गीत याद आ रहा है, उसके बगैर शायद ये जिक्र मुकम्मल नहीं होगा, नज़र शबाब की फिल्म बॉबी, जिसमें सलमा आवा की आवाज़ में मिलो हमसे तो सौ बार मिलेंगे, हम जैसे कहा तुमको तलबगार मिलेंगे। इस तरह एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें अस्सलामु अलैकुम, मैं मलिक यूसुफ जमाल फ्रॉम हैदराबाद। जैसा कि आप फिल्म में आज पाकिस्तान के मारूफ शायर मसरूर अनवर साहब का योम पैदाइश है। मसरूर अनवर को पाकिस्तान में न सिर्फ फिल्मी गीतों बल्कि कौमी नगमात के हवाले से भी एक बड़ा आला मकाम हासिल है। उनका फिल्मी सफ़र 1962 में बंजारिन के ज़रिए शुरू हुआ, बाद अजा फिल्म हीरा और पत्थर में परवेज मलिक के साथ उनका कॉम्बिनेशन बना जो उनकी आखिरी फिल्म तक बरकरार रहा, और सबसे ज़्यादा गीत उन्होंने उन्हीं की फिल्मों के लिए लिखे। यूं तो उन्होंने सैकड़ों गीत लिखे लेकिन फिल्म पहचान, तलाश, हम दोनों, कुर्बानी, रिश्ता और मुतअद्दिद फिल्में हैं जिनके नाम अभी ली जाए तो मेरा ख्याल है कि कई मिनट्स और कई घंटे गुजर जाएंगे। तहम हम की चीदा चीदा फिल्मों के हवाले से हम बात कर रहे हैं, बेशुमार उन्होंने गीत लिखे और उन नगमात में फिल्म अंजुमन का गीत आप दिल की अंजुमन में एक अवार्ड याफ्ता गीत था, बाद हज़ा उन्होंने मुतअद्दिद निगार अवार्ड और दीगर अवार्ड हासिल किए। और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में नगमा निगार के हवाले से इब्तदा के बाद जब ये 60 के दौर में उन्होंने सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल की और बेशुमार गीत लिख कर अपना एक अलग मुकाम हासिल किया, तो इस हवाले से आज उनका जन्मदिन है,
अल्लाह ताला उनकी मफ़रत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और यकीनन आने वाली नस्लों में जब भी उनके गीत सुनेंगे उन्हें उनकी याद ज़रूर आएगी। अस्सलामु अलैकुम।